विधायक कविता सिंह के पति अजय सिंह और हमारे संवाददाता चंदन से खास बातचीत हुई, जिसमें बिहार के कई मुद्दों पर चर्चा भी किया गया। साथ ही साथ आने वाले 2019 के चुनाव को लेकर सिवान की भी राजनीति पर चर्चा हुई। तो आइए सीधे आपको एटीएन लाइव पर दिखाते हैं संवाददाता चंदन और जेडीयू नेता अजय सिंह के साथ खास बातचीत। नमस्कार, एटीएन लाइव कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है और अभी हमारे साथ मौजूद हैं जेडीयू नेता अजय सिंह जी, जो विधायक कविता सिंह के पति भी हैं। सर, आपका एटीएन लाइव कार्यक्रम में स्वागत है। सबसे पहला सवाल, बिहार में अपराध बढ़ चुका है, सिर्फ सिवान जिला ही नहीं, बिहार के कई जिले हैं आपके सामने हैं। इधर जो महीने दो महीने से देखे जा रहे हैं, क्राइम का ग्राफ बढ़ चुका है, क्या कारण आप मानते हैं? देखिए, अपराध के नियंत्रण के नाम से माननीय नीतीश कुमार जी, हमारे मुख्यमंत्री जी, जाने जाते हैं। अगर कहीं आप सबों के देखने में अपराध बढ़ी है तो बातें जो है माननीय मुख्यमंत्री जी के कानों तक पहुंची है और अपराध पर अंकुश पाने में उनको महारत हासिल है। हमें भरोसा है, विश्वास है कि बढ़ते हुए अपराध को तुरंत कंट्रोल करेंगे और उस पर निश्चित रूप से नियंत्रण पाएंगे। शराबबंदी को लेकर के जिस तरह देखा जा रहा है कि शराबबंदी पूरी तरह से फेल्योर है, पुलिस प्रशासन सेटिंग हो गया है चारों तरफ, जो भी थाने हैं और कई थाने ऐसे हैं कि जहां पे शराब के काम चल रहे हैं। नीतीश कुमार ने यह भी कहा था कि जिस थाने से अगर शराब बरामद की गई तो थाना प्रभारी को सस्पेंड कर दिया जाएगा। हालांकि अभी तक कहीं से भी, खास करके आपके जिले से, इस तरह की सूचना नहीं है। आप क्या मानते हैं, आपके नज़र में इस शराबबंदी सफल है या असफल है? शराबबंदी सफल के तरफ है, शराबबंदी सफल हो रहा है और इसमें सभी लोगों की सहयोग की जरूरत है। कानून तो बनी है, कानून काम भी कर रहा है, लेकिन जब तक जनता की सहयोग नहीं मिलेगी और आप हम उसके फायदा और लॉस के बारे में जनता को समझाएंगे नहीं, तब तक शराबबंदी सफल नहीं हो सकता। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी शराबबंदी के तरफ चले हैं और पहल भी कर रहे हैं, कानून भी बनाए हैं, कानून को लागू भी कर रहे हैं और उसमें जरूरत है सभी जनता को सहयोग करने के लिए, क्योंकि जनता के हित में शराबबंदी हुई है और व्यापारियों के तो खिलाफ हुआ ही है। व्यापारी तो तरह तरह के अपने हथकंडा अपना ही रहे हैं शराब को असफल करने के लिए, नेताओं को, जज को अपने तरह से प्रभावित कर रहे हैं कि शराब किसी तरह खुल जाए, शराब बंदी असफल हो जाए, आदरणीय नीतीश कुमार जी के बदनाम करने के लिए ऐसी ऐसी साजिशें चल रही है। लेकिन सारे साजिशों को तोड़ते हुए हम लोग शराब बंदी को सफल बनाएंगे, हम लोग एकदम लगे हैं, जन जन में इसको फैला भी रहे हैं और खास करके महिलाओं को पूरा सहयोग मिल रही है। शराबबंदी के पक्ष में महिला है और महिला चाहती भी हैं और सहयोग भी कर रही हैं। कितनी महिलाएँ तो अपने पति को तक पकड़वा दी जी। तो इससे लगता है कि जनता चाह रही है और जनता में आधी आबादी महिला है, उसके प्रति बड़ी सजग है कि शराबबंदी होनी ही चाहिए, इसलिए शराबबंदी होगा और निश्चित रूप से शराबबंदी सफल भी होगा। नीतीश कुमार का विरोध, लोगों में आक्रोश, शराबबंदी हो या और भी कई चीज़ें हैं, विरोध लोगों में आक्रोश है काफ़ी। उसकी घटना आपके सामने थी लगभग 20 रोज 25 रोज पहले, बक्सर में देखने को मिला, उनके काफिले पे ईंट पत्थर चलाए गए, तो इसे आप क्या मानते हैं, आखिर ये जनाक्रोश क्यों इतना? देखिए, विरोध करने वाले लोग हैं बिहार में, हाँ, माननीय नीतीश कुमार जी के विरोध करने वाले लोग बिहार में हैं, उनकी भी संख्या है, लेकिन उतनी संख्या नहीं है, उनकी बहुमत नहीं है, विरोधियों की बहुमत नहीं है। जो हम लोगों से मात खाए हैं, जिन लोगों ने बिहार में उपद्रव, जिन लोगों ने बिहार में शराब के छुट्टे खुलेआम जो है तस्करी और तरह तरह के घटनाएं करने के लिए व्यातुर हैं, उन लोगों की तो तकलीफ नीतीश जी से है ही है। और हमारे नेता नीतीश कुमार जी जनता के हृदय में है और बहुमत में जनता जो है उनको अपने हृदय में बैठाती है, इसलिए कुछ लोग विरोध करते हैं, विरोध करते रहेंगे, वैसे विरोधी तो हैं ही क्योंकि उनकी भी संख्या है, लेकिन उतनी संख्या नहीं है कि हमारे जो नीतीश कुमार जी के चाहने वाले लोग हैं उनसे ज़्यादा संख्या उनकी नहीं है। और विरोध करने वाले तो सदा ही रहे हैं और अभी रहेंगे भी,
विरोध होना भी चाहिए, विरोध करता है लोग तो नेता का एक अपना विजन और बढ़ता है कि और हमें क्या कमी है, क्या करना चाहिए, और नेता उस पर सुधार करके और मजबूती से काम करते हैं। और माननीय नीतीश कुमार जी तो सुनने वाले लोग हैं, वो सुन करके एक्शन भी लेते हैं, और जनता की जो आवाज़ उठती है, आम जन की जो आवाज़ उठती है, उस पर एक्शन लेते हैं। आपको क्या ऐसा नहीं लग रहा है कि जेडीयू पार्टी जो है उसमें बिखराव हो रहा है, जो कुछ ऐसे लीडर हैं जो आपकी पार्टी को छोड़कर जा रहे हैं, जैसे कि अभी किशनगंज सीट को ले लीजिए, किशनगंज सीट सरफराज आलम आपकी पार्टी को छोड़ दिए और राजद ने उन्हें कैंडिडेट बना दिया। इस तरह कई ऐसे लोग हैं जो कि राजद भी दावा कर रहा है कि कई जेडीयू के विधायक हैं जो हमारे संपर्क में हैं और सामने दिखाई भी दे रहा है, तो क्या लग रहा है आपको कि पार्टी आपकी कमज़ोर हो रही है धीरे धीरे? देखिए, हमारी पार्टी आदरणीय नीतीश कुमार जी के विचारों से चलती है और उनके विचार के साथ जो सहमत होते हैं उनके साथ चलते हैं, उनको विचारों से जो असहमत होते हैं वो छोड़ करके चले जाते हैं। हमारे पार्टी से आप देख रहे होंगे कितने लोग गए, जितने लोग जाते हैं उसके बड़ी संख्या में लोग आते भी हैं, क्योंकि उनके विचार से लोग अवगत हैं। बिहार वासी जो है नीतीश कुमार को चाहती है, बिहार की जनता नीतीश कुमार को चाहती है, और बिहार के सभी दलों से लोग जेडीयू में आते हैं, ये बहुत बड़ी बात है। एक चले गए विधायक, वो वैसे वैसे तो कितने हमारे विधायक चले गए जिनको हमारी पार्टी की जो है शांति अमन चैन, हमारे पार्टी के लीडर के जो है समभाव, सबका विकास करने की जो ई है, जिनके मन में है कि कुछ लोगों का विकास हो, तो हमारे नेता उसको बर्दाश्त नहीं करते। तेजस्वी का एक बयान आया था पिछले एक सप्ताह पहले कि अगर आने वाले समय में हमारी अगर सरकार आती है तो शराबबंदी के जो कड़े कानून हैं उसे हटा दिए जाएंगे। क्या लग रहा है कि शराबबंदी के जो कड़े कानून हैं वाकई में हटा देने चाहिए या फिर ऐसे ही रहने देना चाहिए, क्योंकि निर्दोष लोग भी इसमें फंसे जा रहे हैं? देखिए, शराबबंदी के कानून कड़े कानून नहीं हैं। जो कानून है शराबबंदी के बंद करने के लिए कानून बना है, तो सीधे तौर पर उनको कह देना चाहिए कि हम शराब खुले में बिचवाएंगे। अरे कानून लूज कीजिएगा तो शराब तो खुले में बिकना शुरू हो जाएगा। जब इतने कड़े कानून है उसके बाद भी शराब पकड़ा रहा है, बेचा रहा है, तो लूज कर दिया जाएगा तो क्या स्थिति होगी बताइए? लूज कर देने के बाद तो खुलेआम बिकेगा। इसलिए उनको कह देना चाहिए कि हमारी सरकार बनेगी तो हम खुले में शराब बिकवाएंगे, ये उचित है, वो उनको सूट करेगा। हमारी सरकार रहेगी या जाएगी, बिहार में शराबबंदी है तो शराबबंदी रहेगी, और सरकार रहे या जाए हम लोग जनभाव के अनुसार, जनभावना के अनुसार कार्य करते हैं। हमारे नेता भी उसी विचार के हैं कि सरकार रहेगी या जाएगी, हम शराबबंदी किए हैं तो शराबबंदी रहेगी, और इससे पूरी बिहार की जनता, आम आवाम इसे लाभान्वित हो रहा है और बिहार के चरित्र सुधर रहा है, बिहार के लोगों के जो है स्वस्थ हो रहे हैं बिहार के लोग, और आने वाले हमारे जनरेशन जो है बिहार के वो शुद्ध होगा, स्वस्थ होगा, इसके लिए हम लोग शराबबंदी किए हैं और बंदी रहेगा। जम्मू में आतंकवादी हमला हुआ था और उसमें एक जवान शहीद हुए थे पीरो के, जिसमें भाजपा के एक कद्दावर नेता का एक बयान आया था कि हमारे अगर जाने से, उनके घर पे पहुंचने से क्या वो जिंदा हो जाएंगे क्या? तो ऐसे आपको नहीं लग रहा है कि ये शहीदों का अपमान है, इस तरह का बयानबाजी नहीं देना चाहिए? किसी तरह की जुबान फिसली होगी उनके, जिसके वजह से ऐसा बात हुआ होगा, हम तो नहीं जानते हैं और क्या बात है, लेकिन हम लोग और हमारी पार्टी, हमारे NDA शहीदों के सम्मान के लिए, हम लोग हृदय से शहीदों को सम्मान करते हैं। देश में कर रहे रक्षा जो जवान हैं उनके प्रति हमारी श्रद्धा है, हम उनको सर्वोपरि मानते हैं, उन्हीं के वजह से हम लोग भारतवासी सुरक्षित हैं। इसलिए उनके हमारे शहीद जो जवान हैं उनके प्रति हम संवेदना व्यक्त करते हैं, हमारी सरकार भी संवेदना व्यक्त करती है। किसी एक मानव, एक व्यक्ति के कुछ मुख से निकल जाने से उस पार्टी का वो बात नहीं होता, उस दल का, उस गठबंधन का वो विचार नहीं है, उस व्यक्तिगत उनका अपना विचार हो सकता है, इस दल का कोई वैसा विचार नहीं है। आपको क्या लग रहा है कि जिस तरह से कोई जनप्रतिनिधि जो वहाँ के भाजपा के सांसद थे वो लोग भी वहाँ नहीं पहुँच सके, जाना चाहिए था या नहीं, जो शहीद हुए उनके परिवार वालों से मिल लेते या फिर उनके अंतिम जो संस्कार था उसमें भी शामिल होना चाहिए था? निश्चित रूप से जाना चाहिए
और किसी व्यस्तता में हो सकती है, तो ऐसे चीज़ को इग्नोर नहीं करना चाहिए। हम शहीद के परिवार से मिलना चाहिए, नहीं भी मिले होंगे तो हम लोग जाएंगे, मिलेंगे, हमारे और लीडर जाएंगे, सभी लोग मिलेंगे, उनके प्रति, उनके परिवार के प्रति हम लोग संवेदना व्यक्त करेंगे, उनको ईश्वर से कामना करेंगे, उनको शक्ति दें शहीद के परिवार को कि उस दुख की घड़ी में उस दुख को सहें। और शहीदों के प्रति तो हम बराबर सम्मान करते आए हैं, हमारा दल भी करते आया है और हम लोग आजीवन करते रहेंगे। सिवान की बात करें तो आपको एक मामला आपके सामने आया हुआ है कि सांसद ओम प्रकाश यादव द्वारा सोलर घोटाला किया गया है, जीरादेही क्षेत्र से जुड़ा यह मामला है। क्या पूरी जानकारी आपको क्या है इस तरह के घोटाले जो सामने आए हैं? आपको लग रहा है कि सांसद द्वारा घोटाला वाकई में किया गया है, उनकी जो कंपनी है उसे ही काम दिया गया था, इस तरह कुछ है या क्या? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। कोई भी माननीय किसी कार्य के लिए अनुशंसा करता है तो उसकी एजेंसी जिम्मेदार होती है, वो एजेंसी कार्य कराती है, उसमें सांसद का कोई भूमिका नहीं होता। सांसद का अनुशंसा करने भर भूमिका है, और सांसद और चाहे MLA हो चाहे MLC हो, वो अनुशंसा करते हैं। अनुशंसा के आधार पर वो विभाग उसका टेंडर निकालता है, टेंडर में बहुत सारी कंपनियां पार्टिसिपेट करती है, विभाग टेंडर अलॉट करता है, विभाग काम कराता है, विभाग NOC देता है, और उसकी जिम्मेदारी है, विभाग की जिम्मेदारी है। अगर ऐसी कोई बात है तो उसकी जिम्मेदारी विभाग है, लेकिन हमको नहीं लग रहा है जो उसमें कोई किसी तरह की सांसद की संलिप्तता है और सांसद की कोई कंपनी है, ऐसी बात नहीं है। हम लोग पूर्ण रूप से उसकी जांच पड़ताल किए हैं, सांसद का कोई कंपनी नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। सिवान की राजनीति की अगर बात कर लें तो 2019 में लोकसभा चुनाव होने जा रहा है, सिटिंग कैंडिडेट है सांसद ओम प्रकाश यादव, ऐसे में क्या माना जाए कि JDU भी अपनी दावेदारी करेगी 2019 में लोकसभा के लिए? निश्चित रूप से सभी दल, राजनीतिक दल जो होते हैं और उसके जितने नेता होते हैं, उनकी अपनी महत्वाकांक्षा होती है कि हम भी राजनीति करते हैं तो हमें भी कोई पद मिलनी चाहिए। तो सभी पार्टियां दावेदारी तो कर रही है, हम अपनी दावेदारी कर रही है, और जो है हमारे जनता दल यू अपना दावेदारी कर रहा है, भाजपा अपनी दावेदारी, क्योंकि भाजपा की सिटिंग सीट है, भाजपा को है कि मेरा सीट है, JDU को है कि हम JDU भाजपा के गठबंधन में JDU का सीट था, और हमारे और अदर्स जो दल हैं, हमारे घटक दल हैं, वो भी चाहते हैं कि मुझे सिवान मिले। और पार्टी नेतृत्व क्या फैसला लेती है उसके अनुसार सब होगा, पार्टी का जो नेतृत्व का जो फैसला होगा, NDA के नेतृत्व जो है उसको जो फैसला करेगी, उसके अनुसार जिसको कैंडिडेट बनाया जाएगा वो लड़ेगा, सभी लोग हम लोग मिल करके सहयोग करेंगे। तो क्या यह माना जाए कि 2019 के चुनाव में अजय सिंह भी चुनाव के लिए दावेदारी करेंगे JDU कोटे से? हम लोग पिछले बार भी JDU के सीट के लिए हम लोग थे कि जब हमें टिकट मिले, और हमने प्रयास भी किया था, किसी वजह से नहीं मिला टिकट, लेकिन नहीं मिला तो जिसको टिकट मिला उसको हम लोग भरपूर मदद किए, सहयोग किए। इस बार भी हमारी दावेदारी है कि हमें टिकट मिले JDU से तो हम चुनाव लड़ेंगे, फिर जो फैसला होगा उसके बाद हम उसको मान्य करेंगे, दावेदारी तो मेरी भी है। और बिहारी चौधरी RJD ज्वाइन कर चुके हैं, अगर राजद उनको कैंडिडेट बनाता है तो फिर सिवान की राजनीति क्या होगी? और बिहारी जी अच्छे लीडर हैं, और RJD उनको अगर बनाता है तो RJD एक रिफाइंड नेतृत्व को मतलब जे स्थान दे रहा है, और लगेगा कि RJD का मनोविचार जो है बदला है, और नहीं तो फिर जो पुराने कैंडिडेट रहे हैं उनको बनाया जाता है तो फिर राजद का वही चेहरा आएगा, राजद का कोई दूसरा चेहरा नहीं होगा। अगर उनको और बिहारी चौधरी जी को कैंडिडेट बनाया जाता है राजद की तरफ, तो राजद एक रिफाइन राजनीति करेगा उसमें। तो क्या आपको लग रहा है कि उनके आ जाने से आपको कुछ लॉस हो सकता है, NDA को कुछ लॉस हो सकता है? देखिए, हम NDA को कोई लॉस नहीं है, RJD के किसी भी कैंडिडेट के आने से हमारे NDA को कोई लॉस नहीं होने वाला है, इसलिए NDA यहाँ बहुत मजबूत है, और यहाँ NDA का ही सीट रहेगा, यहाँ सांसद कोई भी बनेगा वो NDA का ही बनेगा, इसमें कहीं कोई गुंजाइश नहीं है किसी दल का।
चलिए, थे अजय सिंह जो कि आपने बातों को सुना। उन्होंने कहा कि आने वाले समय में राजद से कोई ये नहीं रहेगा, लेकिन अगर औध बिहारी चौधरी आते हैं तो अब क्या होगा चुनाव का, वो तो आने वाला परिणाम ही पता, 2019 का लोकसभा जब चुनाव होगा उस समय ही पता चल पाएगा। कुछ और भी मुद्दे पे बातचीत हुई और इसी तरह से कुछ और भी जो जनप्रतिनिधि है उनसे भी बातचीत होगी। कैमरा पर्सन सुरेंद्र के साथ चंदन कुमार, ATN लाइव, सिवान।